बीते दिनों संसद भवन में विपक्षी सांसदों के द्वारा निर्देश के उपराष्ट्रपति और सदन के सभापति के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां करने और संवैधानिक पद की अवमानना को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शहर के सयाजी द्वार पर विरोध प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तथा तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल ने बताया कि जिस तरह से उपराष्ट्रपति की गरिमा का अपमान किया है उसी के विरोध में पुतला जलाया है। वहीं देवी प्रा अध्यक्ष राजेश यादव ने सांसद राहुल गांधी और सांसद कल्याण बनर्जी से माफी मांगने की बात कही। स्थानीय सयाजी द्वार पर पुतला दहन में बीजेपी जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, जिला महामंत्री पंकज वर्मा, देवी प्रा अध्यक्ष राजेश यादव, राय सिंह सेंधव, बहादुर मुकादी, संजय दायमा, प्रवक्ता धर्मेंद्र चौधरी सहित कई कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक सम्मान संवैधानिक सम्माननीय व्यक्ति होते हैं और ऐसे सम्माननीय व्यक्ति उपराष्ट्रपति आदरणीय धनखड़ जी को जिस प्रकार से मिमिरी कर टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे राहुल गांधी ने जिस प्रकार से संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश पूरे देश भर में जिला मुख्यालय पर उनका पुतला जलाने का निर्णय लिया है कि हम आज पुतला जलाकर उस विपक्षी दलों के सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी जी को निर्देशित करना चाहते हैं कि आपने जिस प्रकार से राष्ट्रपति जी का उपराष्ट्रपति जी का अपमान किया है जिसके कारण संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का अपमान करना एक दोष देशद्रोही की श्रेणी में आता है और ऐसे देशद्रोही लोगों को तत्काल सांसद की सदस्यता समाप्त करके उनको बर्खास्त करना चाहिए। विगत दिनों जो लोकसभा से सस्पेंड सांसद थे उनके धरना प्रदर्शन के दौरान तृणमूल के सांसद कल्याण बनर्जी ने देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति आदरणीय जगदीश धनखड़ जी का जो अपमान किया है उस कृत्य की निंदा करते हुए हमने आज यहां पर राहुल गांधी और कल्याण बनर्जी का पुतला जलाया है। क्योंकि एक सांसद का इस प्रकार अपने सभापति के प्रति निंदापूर्वक व्यवहार करना निश्चित ही इस देश को शर्मनाक उनकी हरकत है। ये देश उसकी पूरा देश उसकी निंदा करता है और साथ ही इस देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी उस कृत्य की वीडियोग्राफी कर रहे थे वो भी एक निंदनीय अपराध है। उन्हें अपने इस कृत्य के लिए उपराष्ट्रपति महोदय से और देश से क्षमा मांगनी चाहिए। साथ ही कल्याण बनर्जी को भी अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। ठीक है भैया, धन्यवाद। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।